प्रधानमंत्री अगर इस देश में रडार से लेकर के पत्ते हिलने तक ट्वीट कर सकते हैं, तो बेटियों के मामले में खामोश इसलिए है क्योंकि इस बार कटघड़े में उनका अपना आदमी है। क्या इस देश में महिला सम्मान 15 और 2 रुपए से होगा? क्या इस देश में तिरंगे का रेट कपड़े के रेट से तय होता है या वो देश का एक समूचा सम्मान होता है? नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और आप सभी का जनहित आवाज में स्वागत है। मेरे साथ है शुभम, जो हमेशा से बोलते आए हैं पहलवानों के समर्थन में। और आज जैसा कि आपको पता है और काफी लोगों को पता भी नहीं होगा कि ब्रिजभूषण की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं नार्कोटेक्स के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक जो है मतलब मेरी भी एक डिमांड है, मांग है कि साक्षी मलिक और ये बजरंग जो है उनको भी टेस्ट देना होगा। क्या कुछ कहेंगे इस पे शुभम आप? देखिए, आप एक बात समझिए, नार्को टेस्ट की जिस सहमति की बात हो रही है, जो बयान ब्रजभूषण शरण सिंह ने रात 8 बजे दिया, उसके पीछे का कानूनी प्रावधान आपको समझना होगा कि ब्रजभूषण सिंह किस चाल के तहत दरअसल इस बार बोल को फेंक रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह ये जानते हैं कि भारत के कानून के अंदर ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं जहां एप्लीकेंट का नार्को टेस्ट हो। भारत का कानून कहता है कि नार्को टेस्ट जब भी होगा, पहली बात आप समझ लीजिए कि नार्को टेस्ट का प्रावधान मूल प्रावधान नहीं है कानून का, ये फोरेंसिक साइंस का मॉडर्न डेवलपमेंट है जिसके तहत कई बार केसों में पुलिस सहायता लेती है, जिसमें साफ साफ प्रावधान ये है कि नार्को टेस्ट अगर जरूरत पड़ी तो अक्यूज्ड का लिया जाएगा, जिस पर आरोप है उसका लिया जाएगा। अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, यहां तक बात खत्म कर देते तो सबको समझ में आ जाती। उन्होंने बात अगली और कही कि इसकी शर्त यह है कि साथ में नार्को टेस्ट विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का हो, क्योंकि वो ये जानते हैं कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं जिसमें एप्लीकेंट का नार्को टेस्ट हो जाए, ना ढपली बजेगी ना आवाज आएगी। दूसरी बड़ी बात एक और भी है कि ये कानूनी मामला है। देखो, ब्रजभूषण शरण सिंह ये जानते हैं कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट आंदोलन का जो चेहरा है, लेकिन इस मामले में एप्लीकेंट नहीं है। एप्लीकेंट तो वो 7 बच्चियां हैं, ये तो सिर्फ चेहरा है। इनके लाई डिटेक्टर टेस्ट के फेल हो जाने से ये बात भी साबित नहीं हो जाएगी कि उन बच्चियों के आरोप झूठे थे, क्योंकि ये तो एप्लीकेंट नहीं है। तो ब्रजभूषण सिंह दोनों चीजों को जानता है कि जो तू कह रहा है ये बाल बोल दरअसल ऐसे पाले में तूने फेंक दी, कानून के हाथों से बाहर हो गई, ना कानून लागू होगा और ना ये कभी होगा, इसलिए फिर वैसे ही दांव पेच का खेल वो खेल रहा है और वैसी सियासत जा रही है। क्या कुछ होगा? देखिए, होना यही है भाई। एक बात आप बताओ, वो आदमी ये कह देता मैं नार्को टेस्ट के तैयार हूँ, ये जो अगली लाइन बोल दी कि इसकी कंडीशन ये है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसकी कानून इजाजत नहीं देता लीगली। अगर क्योंकि वो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं, देश की सरकार कानून में बदलाव कर दे तो हम इसके लिए तैयार हैं, हम नार्को टेस्ट देंगे। एक सवाल और भी, अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कहा था कि 15 रुपए का मेडल लौटाने से क्या होगा, लौटाना है तो जितने पैसे मिले वो सारे लौटा। ये बड़ा सवाल है मैडम, कितने गजब की बात एक आदमी कह रहा है। इसका मतलब इस देश के तिरंगे का सम्मान तिरंगा नहीं है, उस कपड़े की कीमत 2 रुपए मीटर 4 रुपए मीटर रख दी जाएगी। क्या इस देश में देश भावना, क्या इस देश में महिला सम्मान 15 और 2 रुपए से होगा? क्या इस देश में तिरंगे का रेट कपड़े के रेट से तय होता है या वो देश का एक समूचा सम्मान होता है? 15 रुपए का मेडल सम्मान नहीं है मैडम। 15 रुपए का मेडल जीत कौन कह रहा है? जीत थी उस पसीने की, जीत थी उस पसीने की मेहनत की, जीत थी उस तपती धूप की जिसमें संघर्ष करके वो कमाया जाता है। अगर 10 पीढ़ियों की चुनौती देता हूं ब्रजभूषण शरण सिंह को, अगर उनकी 10 पीढ़ियों में यह दम हो कि 15 रुपए का ओलंपिक मेडल वो जीत पाए, तो अपनी पीढ़ियों के बारे में एक आंकड़ा दिखा दे जहां 15 रुपए का मेडल भी लेके आए हो, इस 15 रुपए मेडल की ये कीमत है। आपने अभी उनका जो ट्वीट था उसमें आपने लास्ट में उन्होंने एक कोट किया है, यदा यदा ही धर्मस्य करके कुछ लिखा है जी, और उन्होंने धर्म का सहारा लिया, इस पे आप क्या कहेंगे? उन्होंने ये भी कहा कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि वचन एक ऐसा दे दिया गया जो ना तो कानून में वैलिड है ना ये कभी लागू होगा, और जब लागू ही नहीं होगा तो वचन पे बात नहीं आएगी। सवाल यही है
कि नार्को टेस्ट का प्रावधान अगर अक्यूज्ड के लिए है तो मामले में अक्यूज्ड है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका नार्को टेस्ट होगा। अगर कानून को बदलने की हिम्मत वो रखते हैं तो हम भी उसके लिए तैयार हैं, लेकिन दरअसल वो एक ऐसी डपली बजा रहे हैं जो ना कभी डपली बजेगी और ना आवाज आएगी। ये सियासत देश समझता है, ड्रामा नहीं चलेगा। ब्रजभूषण सिंह का एक और आरोप था कि जातिवाद कर रहे हैं, मतलब राजपूत वर्सेस जाट हो रहा है, तो क्या लग रहा है वो राजपूतों को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं या वो मतलब राजनीति खुद को बचाने के लिए जाति को बीच में? मैडम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब तक साबित नहीं हुआ। ये जिस दिन बेटियां जनवरी में आई थी उस दिन ये लड़ाई जो थी मात्र विनेश फोगाट की लड़ाई थी। अगर इस पे कमेटी बन जाती है मामला सुलझ जाता। जब ये बच्चियां दोबारा अब आई अप्रैल में तो ये लड़ाई पूरे स्पोर्ट्स महकमे की हो गई। जिस दिन रात को लकड़ी के छोटे से टुकड़े के लिए हमारी बच्चियों से पुलिस ने मारपीट की, ये लड़ाई समूचे भारत की हो गई। क्योंकि अब ब्रजभूषण सिंह को समझ में ये नहीं आ रहा है कि कल की पंचायत में जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला वहां तो सारी ही धारणाएं टूट गई, वहां तो जातिवादिता की धारणाएं नहीं बची, वहां तो इस देश में धर्म का कोई नाम नहीं बचा, जाति का नहीं बचा, मजहब का नहीं बचा, खाप का नहीं बचा। और जब नहीं बचा तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। फिर रात एक नया एक्सपेरिमेंट किया, बोला चल यार एक बॉल फेंक के देख लेते हैं नार्को टेस्ट पे ही। वो इसीलिए पहुंचने से पहले फ्लॉप हो गई क्योंकि कानूनी उसकी इजाजत नहीं दे रहा। तुम बात ही ऐसी बोल रहे हो जिसका कोई तर्क नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बच्चियां जो है कम से कम उन लोगों का करियर खराब ना करो जो नए नए पहलवान बन रहे हैं। मैडम को तो कम से कम मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, इस मामले को ब्रजभूषण सिंह तो शब्दावली में उलझा रहा है। मैं तीन बातों में पूरे मामले को समेटता हूँ, तीन बातों में, और यही तीन बातों का बात वो कह दे। भाई हमारी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। पुलिस कह रही है गिरफ्तारी नहीं होगी, कानूनी प्रावधान नहीं है। तो एक काम करे पुलिस इस देश में वो तमाम आंकड़े जारी कर दे जिसमें यौन हिंसा के आरोप में गिरफ्तारी हो रखी है और लोग जेल में हैं। क्या भारत की सरकार उन्हें 24 घंटे के अंदर छोड़ेगी? या तो भारत की सरकार जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है 99% मामलों में गिरफ्तारी है तो उन 99 लोगों को कल ही छोड़ दे पुलिस जेल से। अगर इस देश में पुलिस उन्हें नहीं छोड़ सकती और पुलिस ये कह रही है कि उनकी गिरफ्तारी वैध थी तो फिर इसका मतलब इसकी गिरफ्तारी न होना अवैध विषय है, तो इसकी गिरफ्तारी कर ले। बात स्पष्ट सी है कि एक देश में दो कानून लागू नहीं हो सकते। या तो जितने 99% लोग गिरफ्तार हैं उनको आप गिरफ्तार किया, आपने गलती की है, अवैध काम किया है, या फिर इसको न गिरफ्तार करना अवैध है, दोनों में से एक तो अवैध है। इसका स्पष्टीकरण सरकार दे दे या पुलिस प्रशासन। प्रधानमंत्री को लेके आप क्या कुछ कहेंगे? जहाँ पे वो एक तरफ ट्वीट करते थे कि हमारी बेटी हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है, महिला है, हमारा अभिमान है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? अभी एक ट्वीट भी नहीं आया है, हमें लगा कि 4-5 दिन के बाद शायद उनकी आंखें खुली, लेकिन लगभग एक महीना पूरे होने को है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए प्रधानमंत्री का मामला ऐसा है कि प्रधानमंत्री अगर एक खिलाड़ी के अंगूठे में चोट लग जाए ट्वीट कर देते हैं। कई बार हमने देखा कि जिस देश के प्रतिनिधि का जन्मदिन भी नहीं था राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री ने जबरदस्ती ट्वीट कर दिया आपको हैप्पी बर्थडे, वापस वो ट्वीट लेना पड़ा, उसमें और फजीहत हो गई। प्रधानमंत्री अगर इस देश में रडार से लेकर के पत्ते हिलने तक ट्वीट कर सकते हैं तो बेटियों के मामले में खामोश इसलिए है क्योंकि इस बार कटघड़े में उनका अपना आदमी है। और वो आदमी है, भाई एक बात मुझे बताओ, जब किसी बच्चे पे विपत्ति आती है वो मामा चिल्लाता है कि नहीं? उसने माँ की जगह मोदी चिल्लाया, इसका मतलब रिश्ता तो गहरा है। वो जो गहरा रिश्ता है उसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री तमाम कोशिशें कर रहे हैं। गृह मंत्री का भी नाम लिया था, जेपी नड्डा का नाम लिया था, प्रधानमंत्री का नाम लिया था कि बोलेंगे तो हम इस्तीफा दे दें। उसने नाम ही तीन लिए थे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, तीनों अगर कह देते बात ही खत्म हो जाती। लेकिन क्या कुछ कहेंगे? अभी प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर हैं और उनको फिर से लोकप्रिय नेता का खिताब दे दिया गया। मैडम लोकप्रिय नेता का खिताब देने वाले कौन लोग हैं? भारत का वही बिकाऊ मीडिया है जो कर्नाटक में हार को भी जीत बता रहा था, कह रहा था कि ये हार इसलिए हो गई। मैंने सुधीर चौधरी का एक शो देखा, खूंटी पे टंग जाएगा तर्क भी देखने के बाद, बोला जी हार तो इसलिए हो गई क्योंकि मोदी बड़े नेता है, वो जाके तो मिल नहीं पाते और रोड शो से इस बार काम चला नहीं, इसलिए हार हो गई, मोदी तो जीत ही गए। तो देखो सर्वश्रेष्ठ तथा कथित युग पुरुष बताने वाला मीडिया वही है जिसके पास इस काम को करने के लिए पिछले 8 साल से सैलरी पहुंच रही है। तो प्रधानमंत्री इस बार भी गई तो वो अपना काम। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बात कहा था कि बजरंग दल पे बैन लगाना मतलब बजरंग बली पे बैन लगाना। हाँ,
बजरंग दल पर बैन लगाना, बजरंग बली पर बैन प्रधानमंत्री ने बताया, तो प्रधानमंत्री ये भी बता देते कि इस देश के कानून ने जब बजरंग दल के ऐसे कार्यकर्ता जिन पर 302-307 है लगा करके देश के कानून का अपमान किया है। प्रधानमंत्री बात को हल्के में कहते हैं, जैसे कह देंगे कि कपड़े देखकर आदमी पहचानता हूं, इस बात का मतलब बताइए क्या होगा? जिसको पूछना था कि इस बात का मतलब क्या है, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कहा कि भाई देखो कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है, कपड़े देख के भारत में लोकतंत्र में आप कैसे व्यक्ति पहचान लोगे। तो इन तमाम चीजों पर बात है, प्रधानमंत्री खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं, उन्हें बोलना होगा, जरूर बोलना। अब विपक्षी पार्टी अभी क्यों नहीं आ रही है? जैसा कि एक महिला ने अभी बोला कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी खुल के रोड पे विरोध नहीं कर रही है, क्यों? अगर उनका कोई आदमी अगर ईडीसीबीआई पकड़ के ले जाती है तो खुल के विरोध होता है, लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहा है? देखिए एक बात आप समझ लीजिए, विरोध होगा, ये बेटियां किसान की है, विपक्षी पार्टी आए या ना, इस देश का किसान इतना कमजोर नहीं है, हमने किसान आंदोलन बिना विपक्षी पार्टियों के जीता है। मैडम ये उन्हीं की बेटियां, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम 28 तारीख को दिखा देंगे, महिला पंचायत होगी और देखना इस देश में हम इतिहास रचेंगे। ठीक है, अभी आप लोग को एक आखिरी सवाल है शुभम आपसे, कि क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है संविधान कानून और लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि अभी तक पॉक्सो एक्ट के तहत अगर धारा लगी है और गिरफ्तारी नहीं हुई है तो इस पे सवाल तो उठते हैं। मैडम कानून इतना कमजोर इस देश ने कभी नहीं देखा, G20 की बैठक चल रही है, अध्यक्षता कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री या भारत ही अध्यक्षता कर रहा है, इस देश में दो कानून क्यों है? इतना सा मामला है, एक आदमी पे आरोप है, जांच बैठा के खत्म करा देते, क्योंकि आदमी अपना है। तो एक देश में दो कानून इस देश में नहीं देते, फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161 पहुंच गई, इसका मतलब मीडिया की क्या स्थिति है ये आप देख पा रहे हैं, और देश में लोकतंत्र को उस वक्त नसीहत मिल जाती है जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि महाराष्ट्र में जो सरकार गिरी वो संवैधानिक तरीकों से नहीं गिराई गई थी, वहां गवर्नर ने गलती की थी। तो इस तरह की स्थिति फैक्ट्स हमारे सामने, उस पर विचार हो रहा है। तो अभी ये कब तक आंदोलन चलेगा ये सवाल अभी भी है, लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा है कि आंदोलन कब तक आप लोग लड़ पाएंगे, आपको लगता है लड़ेंगे? जी मैडम, हमें 13 महीने का सर्टिफिकेट तो सरकार ने दिया है कि भाई 13 महीने तुम तपस्या कर सकते हो, प्रधानमंत्री की तपस्या ही तो टूटी थी, हमारी तो नहीं टूटी थी। सवाल तो उठ रहे हैं कि आप लोग मतलब उग्रवाद हो रहे हैं। मैडम ये पहले भी उठे थे किसान आंदोलन में, खालिस्तानी आतंकवादी उग्रवादी आंदोलन जीवी तमाम से मोटी चमड़ी हमारी हो चुकी है, हम सब काम पे ध्यान देते हैं। देख सकते हैं शुभम ने कहा हमारी मोटी चमड़ी हो गई है, हमें प्रधानमंत्री ने 13 महीने का सर्टिफिकेट तो दे दिया है, लेकिन आप पूरी खबर पे क्या कुछ कहेंगे? आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है, पूरी खबर पे आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।